तो लीजिए, अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ हमारे आज के अतिथि श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी को। नमस्कार नेगी जी। नमस्कार नेगी जी, गुगुती प्रस्तुति में आपका स्वागत है। नेगी जी, बड़े ही आश्चर्य की बात है कि मेरे पिताजी जवानी के दिनों से आपके गीत सुनते आ रहे हैं और आज मैं भी उसी जिज्ञासा से आपके गीत सुनती हूँ। फिर भी 40 सालों में आपकी आवाज़, आपके गीतों और आपके शब्दों का जो जादू है वो अभी तक बरकरार है, ये कैसे? पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने मुझे यहाँ बुलाया घुगुती प्रस्तुति कार्यक्रम में। ये नाम बहुत सुंदर है और मैंने बचपन में हम लोग लोरियाँ सुना करते थे, उसमें ये था कि घुगुती प्रस्तुति क्या खांदी दूध भाती, ऐसी एक लंबी लोरी थी। तो वो मुझे याद आ गया अपना बचपन। और जहाँ तक आपका प्रश्न था, मेरा ऐसा मानना है कि अगर कलाकार को ये पता है कि उसको लोग, उसके श्रोता गंभीरता से सुन रहे हैं और एक बहुत बड़ी संख्या में सुन रहे हैं, तो उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने काम पर मेहनत करे। और मैंने भी वही किया। मैंने सुना है आप अपने शुरुआती दौर में हिंदी गज़लें गाया करते थे, अगर ये बात सच है तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप हिंदी गज़लों से गढ़वाली गीतों की ओर कैसे आए? हाँ, मैं पहले, मुझे उर्दू गज़लों का गाने का बड़ा शौक़ था। मजाज को, दाग को और मीर तकी मीर को, मिर्ज़ा गालिब को, इनके दीवान मंगा मंगा के मैंने काफ़ी अपने दिमाग में भर ली थी गज़लें और मैं गुनगुनाया करता था। हालाँकि मैंने कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कभी नहीं गाए वो गाने, लेकिन मैंने गढ़वाली में प्रयोग किया, गज़लें गढ़वाली में बनाई और उनको गाया। क्या बात! एक गढ़वाली गज़ल की दो पंक्तियाँ सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। दूर चल गए मान अब तू, आसमान हुए गई पर सुरक इथगा बिंगे जा, दूरांगी क्यान हुए गई, दूर चल गए मान अब तू, आसमान हुए गई। बहुत सुंदर निकी जी, आपको देखकर, आपके गीतों को सुनकर हमारे कई युवा इस फील्ड में आगे आए, जिनमें से कुछ कामयाब भी हुए तो कई नाकाम भी हुए। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस फील्ड में आने से पहले क्या आपने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली? क्या म्यूज़िक से आपका कोई पहले से रिलेशन था, या आप भी हमारे आज के युवाओं की तरह जोश में आकर और शौकिया तौर पर इस क्षेत्र में आ गया है? गीत गाने से पहले मैं म्यूज़िक का स्टूडेंट भी रहा। मैंने म्यूज़िक में बी म्यूज़ किया, संगीत प्रभाकर किया। okay. और वो भी साथ साथ चलता रहा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि अगर आप लोकगीत गा रहे हैं और लोकगीत आप अपने गांव में गा रहे हैं, तो वहाँ ज़रूरी नहीं कि आप कुछ सीख कर आए हों, क्योंकि लोक में रहकर आदमी लोक संगीत, गाना, नाचना सब सीख जाता है देख देख के, सुन सुन के। लेकिन अगर आप स्टूडियो के अंदर गा रहे हों, अगर आप म्यूज़िक के साथ गा रहे हों, परफेक्शन चाहते हों अपने गाने में, तो आपको म्यूज़िक का जो फंडामेंटल हैं वो आना ही चाहिए। नेगी जी, आप हमेशा से लोक भाषाओं के पैरोकार रहे हैं, लेकिन हमारी लोक भाषाएं गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, ये धीरे धीरे अपने ही लोगों में बेगानी होती जा रही हैं। तो ऐसे में क्या भविष्य है इन भाषाओं का? क्या ये आप लोगों के गीतों में ही रह जाएंगी? भाषाओं की जहाँ तक बात है, जब उत्तराखंड राज्य बना था तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि अब उत्तराखंड की लोक भाषाओं के दिन बहुरेंगे, इन लोक भाषाओं को उनका वो सम्मान मिलेगा जो इनको मिलना चाहिए, वो इस उत्तराखंड की ज़मीन से पैदा हुई भाषाएं हैं। दुर्भाग्य से ना तो सरकारों ने इसे गंभीरता से लिया इन लोक भाषाओं की के मुद्दे को, और ना ही हमारे लोग अपनी मातृभाषा में गर्व करना सीख पाए, ना ही उन्होंने अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा सिखाना ज़रूरी समझा। तो ये दुर्भाग्य है और मैं सोचता हूँ मैं उत्तराखंड के सारे लोगों से
अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि अगर जो भी आपकी मातृभाषा है उस भाषा को अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं। ये जो विरासत आपके पुरानों ने आपको दी है उसे आप अगली पीढ़ी तक पहुँचाएँ, ये आपका नैतिक कर्तव्य भी है और धर्म। जी जी, मैं आपसे कुछ व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहूँगी। वो ये कि आपके परिवार के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जैसा कि मैंने सुना है तो आपकी एक सुपुत्री हैं जो कि अहमदाबाद में MNC में बहुत अच्छी पोस्ट में जॉब करती हैं, और आपके पुत्र जिन्होंने अभी हाल ही में आपके साथ एक गीत गाया है, किंतु आपकी श्रीमती के बारे में कोई ज़्यादा जानता नहीं है। आपने महिलाओं के ऊपर कई गीत लिखे हैं, जैसे आपका राती सुपनियों में आंधी तू, कंछुयाल वे तू वखी बाता की, और तू दिखा दी जन जुनियरी, और एक और गीत आपने गाया था जननियों को मरियो छो। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इनमें से कौन सा गीत आपने अपनी श्रीमती पर आधारित लिखा है? असल में इन जो आपने जिन गीतों का जिक्र किया है वो गीत श्रीमती के आने से पहले ही लिखे जा चुके थे। जी जी थी। लेकिन मेरा एक छोटा सा परिवार है, मेरी एक बेटी है रितु, वो अहमदाबाद में सर्विस करती है, उसकी शादी हो गई है जी। और एक बेटा है मेरा कविलास नेगी, जी, जी। उसने भी एक गाना गाने की कोशिश की है देहरादून वाला, जिन लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया है, तो जी। अब आगे वो क्या कर पाता है ये तो भविष्य ही बताएगा। और एक मेरी श्रीमती जी, और ये गीत जो आपने जिक्र किया है ये हम दूसरे जननियों को मरियों छो, तो ये दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं है ना। सौभाग्य से अभी तक मेरी ऐसी नौबत नहीं आई कि जननी की मार खानी पड़े, तो ये दूसरों के लिए है। तो बाकी जहाँ तक छुयाल गीत का है, तो ऐसी कोई महिला नहीं है जो छुयाल ना हो, हर महिलाएं छुयाल होती हैं और ये उनकी खासियत है, वो किसी चीज़ को अभिव्यक्त कर देती हैं, इसलिए उनको छुयाल होना पड़ता है। तो नेगी जी, आपके गीतों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, कहा गया, सुना गया, लेकिन कई लोग अभी तक ये नहीं जानते कि आपकी ये 40 साल की गीत यात्रा कहाँ से और कैसे शुरू हुई। 74 की बात है जब मैंने पहला गीत लिखा, और वो भी चोहड़पुर में लिखा, जिसे आज लोग विकास नगर के नाम से जानते हैं। तो चोहड़पुर में वो मैंने गीत लिखा, एक हॉस्पिटल के बरामदे में बैठ के मैं अपने पिताजी के आँख के ऑपरेशन के लिए ले गया था उनको, डॉक्टर लेमन का हॉस्पिटल था, और वहीं पिताजी अंदर वार्ड में थे, तो मैं रात को बाहर बरामदे में सोता था, और ऐसे जुलाई का महीना था, और उसी में ये कुछ भाव आए और गीत मैंने कुछ पंक्तियाँ लिख डाली। तो नेगी जी, अब आप हमें ये भी बता दीजिए कि आपका वो पहला गीत कौन सा था? सैरा बस ग्याल बोण मारूड़ी कुटण मा यूंद पीसी बीते ना म्यारा सदनियानी दिन जी। आपका जीवन उत्तराखंड की भाषाओं और संस्कृति को समर्पित रहा है, तो क्या विदा लेने से पहले आप अपने गढ़वाली कुमाऊनी भाइयों को कोई रिवार्ड देना चाहेंगे? मैं अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी रवांडा या जो भी आपकी भाषा है, जो भी आपकी मातृभाषा है, वो ज़रूर और ज़रूर उनको सौंपें, उनको सिखाएँ, उनको सीखने दें। वो जितनी भाषाएं सीख सकता है बच्चा सीखे, ये उसकी प्रतिभा है, लेकिन ऐसा ना हो कि वो दुनिया की सारी भाषाएं जानता है, सिर्फ अपनी मातृभाषा नहीं जानता है। निगी जी, हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे शो में आए, और आपका आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए दर्शकों, अब आपसे विदा लेने से पहले हम आपके सामने अंतिम प्रस्तुति रखेंगे, जिसमें हम आपको दिखाएंगे निगी जी का ही एक मशहूर गीत। इन सिर की बेला एगे वेगे उदंकार डांडा चौथी सुचोबा, बिन सिर की बेला एगे वेगे उदंकार डांडा चौथी सुचोबा, चौथी सुचोबार डांडा चल कि नियू चूला कांटा चौथी सुचोबार डांडा चल कि नियू चूला कांटा उजल उखाल धार बिन सिर की।